राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं 10 महाविद्याओं में 8वें स्थान पर विद्यमान देवी बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा। पीताम्बरा नाम से प्रसिद्ध स्तंभन की पूर्ण शक्ति वाली हैं देवी बगलामुखी, जिनके नाम का अर्थ है बगला यानी विरूपण का कारण और मुखी यानी मुख या मुख स्तंभन या विपरीत मोड़ने वाली देवी। देवी मुख्यतः स्तंभन कार्य से संबंधित है, फिर वह चाहे शत्रु रूपी मनुष्य हो, घोर प्राकृतिक आपदा हो, अग्नि या अन्य किसी भी प्रकार का भय हो। देवी महाप्रलय जैसे महाविनाश को भी स्तंभित करने की क्षमता रखती हैं। देवी स्तंभन कार्य की अधिष्ठात्री हैं और कार्य के अनुरूप ही देवी ब्रह्म अस्त्र का स्वरूप धारण करके तीनों लोकों की प्रत्येक विपत्ति को स्तंभित करती हैं। किसी भी स्थायी अस्वस्थता, निर्धनता आदि की समस्या देवी की कृपा से स्तंभित हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देवी के उपासक को अच्छा स्वास्थ्य, धन संपन्नता आदि प्राप्त होती है। साथ ही साथ देवी अपने भक्तों के शत्रुओं को पथ तथा बुद्धि से भ्रष्ट करके उन्हें हर प्रकार से स्तंभित कर अपने भक्त की रक्षा करती हैं। देवी की उपासना सबसे पहले ब्रह्मा जी ने की थी और उसके पश्चात उन्होंने बगला साधना का उपदेश संकादिक मुनियों को दिया। कुमारों से प्रेरित होकर के देवर्षि नारद ने भी देवी की साधना की। देवी के दूसरे उपासक स्वयं जगत पालन करता भगवान विष्णु हुए तथा तीसरे भगवान परशुराम थे। तो चलिए शुरू करते हैं देवी पीताम्बरा या बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा। स्वतंत्र तंत्र के अनुसार सतयुग में इस चराचर जगत को नष्ट करने वाला एक भयानक तूफान आया, जिसके कारण सभी प्राणी तथा स्थूल तत्वों के अस्तित्व पर संकट गहरा गया। सभी काल का ग्रास बनने जा रहे थे और संपूर्ण जगत पर इस आए हुए संकट को देखकर जगत के पालनकर्ता श्रीहरि भगवान विष्णु अत्यंत चिंतित हो गए तथा भगवान शिव के पास जाकर समस्या के निवारण हेतु उपाय पूछा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि शक्ति के अतिरिक्त कोई भी इस समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं है। उसके पश्चात भगवान विष्णु सौराष्ट्र प्रांत में गए तथा हरिद्रा सरोवर के समीप जाकर अपनी सहायतार्थ देवी श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उस समय देवी श्री विद्या सौराष्ट्र के एक हरिद्रा सरोवर में वास करती थी। भगवान विष्णु के तप से संतुष्ट होकर के श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी बगलामुखी स्वरूप में उनके सम्मुख अवतरित हुई, जो पीत वर्ण से युक्त थी तथा उनसे तप साधना करने का कारण ज्ञात किया उन्होंने। भगवान विष्णु द्वारा निवेदित करने पर देवी बगलामुखी तुरंत ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करके विनाशकारी तूफान को शांत कर दिया और इस प्रकार उन्होंने संपूर्ण जगत की रक्षा की। वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ था। देवी बगलामुखी के प्रादुर्भाव की एक और कथा है, जो देवी धूमावती के प्रादुर्भाव के समय से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि क्रोधवश देवी पार्वती ने अपने पति शिव का भक्षण कर लिया था। देवी पार्वती का वह उग्र स्वरूप जिसने अपने पति का भक्षण किया था, वह बगलामुखी शक्ति थी तथा भक्षण के पश्चात देवी धूमावती नाम से विख्यात हुई। तो ये थी देवी बगलामुखी के प्रादुर्भाव की कथा। नमो नारायण।